अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकंड टर्म थर्ड लेक्चर ऑफ साइंस यूनिट नंबर 4 द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स बुक पेजेस 37 to 39। स्टूडेंट्स, आज हमने इस यूनिट की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करनी है। नाउ ओपन योर बुक्स, दिस इज योर बुक पेज नंबर 37 यूनिट नंबर 4 द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स जानवरों का दुरानिया हयात। स्टूडेंट्स, आज हमने जानवरों के दुरानिया हयात यानी उनके ज़िंदगी के अमल के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं, तमाम जानदार अशिया ग्रो करती हैं, नशोनुमा पाती हैं और अपनी ही तरह की दूसरी जानदार अशिया पैदा करती हैं। वो जानदार अशिया बिल्कुल अपने वालिदैन जैसी होती हैं या उनसे थोड़ा मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ जानवरों का दुरानिया हयात मुख्तलिफ है। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल्स दुरानिया हयात। ऑल एनिमल्स हैव अ लाइफ साइकिल, तमाम जानवरों का दुरानिया हयात होता है। अ साइकिल इज समथिंग डैट हैपन्स ओवर एंड ओवर अगेन। लाइफ साइकिल वो चीज़ है जो कि बार बार वाक्या होती है। विद टाइम, वक्त के साथ, ऑल लिविंग थिंग्स तमाम जानदार अशिया बिकम ओल्डर, बूढ़ी हो जाती हैं एंड डाई और मर जाती हैं। बट दे कैन मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स बाय हैविंग यंग वंस। लेकिन वो अपने ही तरह के दूसरे जानदार अशिया पैदा कर देती हैं। द लाइफ साइकिल्स ऑफ एन एनिमल इज ऑल द स्टेजेस इन इट्स लाइफ। लाइफ साइकिल में एक जानवर की जिंदगी के तमाम स्टेजेस होते हैं। द लाइफ साइकिल ऑल्सो शोज हाउ एन एनिमल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्सेल्फ बाय हैविंग बेबीज। लाइफ साइकिल ये भी जाहिर करता है कि किस तरह एक जानवर अपने ही तरह के दूसरे जानवर पैदा करता है। फ्रॉग्स लिव नियर पॉन्ड्स, मेंढक तालाब के करीब रहते हैं। दे लिव ऑन लैंड, वो ज़मीन पर भी रहते हैं। बट ऑफन गो इन टू द वाटर, लेकिन अक्सर वो पानी में चले जाते हैं। फ्रॉग्स हैव बेबीज by laying eggs in the water। मेंढक के बच्चे होते हैं अंडों के जरिए जो वो पानी में देते हैं। These pictures show you how a small egg grows into a frog। ये पिक्चर आपको बताती है कि किस तरह एक अंडे से एक मेंढक बनता है। आप देखिए, फर्स्ट स्टेप है, दीज आर फ्रॉग्स एग्स, ये उसके एग्स हैं, स्पॉन्स जिन्हें अंडे कहते हैं। द टैडपोल ग्रोज इनसाइड द एग। टैडपोल इन अंडों के अंदर ग्रो कर रहा होता है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है। फ्रॉग के लाइफ साइकिल का सेकंड स्टेप ये है, द टैडपोल कम्स आउट ऑफ द एग। टैडपोल अंडे से बाहर आता है। इट बिगिन्स टू स्विम, और तैरना शुरू कर देता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा था एग्स होते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने देखा एग से टैडपोल बन गया। अब हमारे पास थर्ड स्टेप है, द बैक लेग्स ग्रो, उसकी टैडपोल की पीछे की टांगें, पिछली दो टांगें ग्रो होती हैं, बनती हैं उसके बाद थर्ड स्टेप में। स्टूडेंट्स, ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो रहा है। फोर्थ स्टेप है, द टैडपोल जॉज ग्रो, द फ्रंट लेग्स ग्रो, जो उसके जॉज ग्रो होते हैं उसके बाद उसकी जो फ्रंट लेग्स होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होती हैं। एंड लास्ट स्टेप है, द टेल डिसअपीयर्स, उसकी जो टेल थी फोर्थ स्टेप में आप देखेंगे, ये लास्ट वाले स्टेप में उसकी डिसअपीयर हो गई है।
द टैडपोल बिकम्स अ फ्रॉग. टैडपोल एक फ्रॉग बन गया है. द फ्रॉग देन कम्स आउट ऑफ द वॉटर. उसके बाद वो पानी से बाहर आ गया है. ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल के स्टेप्स थे, जिसमें सबसे पहले एग्स, देन टैडपोल, देन उसकी बैक लेग्स ग्रो, देन जॉज एंड फ्रंट लेग्स ग्रो हुई, एंड आफ्टर दैट वो एक अडल्ट फ्रॉग बन गया. ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल था, जिसमें आपने देखा कि फ्रॉग डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है. नाउ टर्न योर बुक पेज. दिस इज योर बुक पेज नंबर 38 and 39. डिस्कस एन आंसर. हैव यू सीन अ फ्रॉग? क्या आपने फ्रॉग देखा है? टॉक अबाउट इट इन योर क्लास. और अपनी क्लास में इसके बारे में बात करें. स्टूडेंट्स, ये आपका होम टास्क है. फ्रॉग के बारे में आपने अपने घर में डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ. मोस्ट फिश हैव बेबीज. ज़्यादातर मछलियों के बच्चे होते हैं बाय लेइंग एग्स इन वाटर. अंडों के जरिए जो वो पानी में देती हैं, द बेबीज विच कम्स आउट ऑफ द एग्स आर कॉल्ड फ्राई. वो बच्चे जो अंडों से बाहर आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फ्राई. हेयर इज देयर लाइफ साइकिल. यहाँ पर उनका लाइफ साइकिल दिखाया गया है आपको. देखिए, सबसे पहले एग्स, उसके बाद फ्राई, और फिर अडल्ट फिश. ये फिश का लाइफ साइकिल था कि किस तरह डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फिश कंप्लीट होते हैं. एग्स के थ्रू फ्राई बना और फ्राई के बाद एक अडल्ट फिश कंप्लीट हो गई. ये मछली का दौरानिया हयात है. इस लाइफ साइकिल से आपको पता चला स्टूडेंट्स कि किस तरह जानदार अशिया अपने ज़िंदगी के मराहिल पूरे करते हैं, उनका दौरानिया हयात किस तरह से मुकम्मल होता है. नेक्स्ट, यहाँ आपको लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दिया गया है. स्टूडेंट्स, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव अ लाइफ साइकिल. ज़्यादातर हशरात का दौरानिया हयात होता है लाइक दैट ऑफ द बटरफ्लाई, जैसा कि यहाँ तितली का दिखाया गया है. एज शोन हियर, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है आपको. सबसे पहले आप देखें, एक बटरफ्लाई थी, उसने यहाँ लीफ पर एग्स दिए हैं. ये एग्स हैं उसके. उसके बाद इन एग्स से आप देखें कैटरपिलर बनी. कैटरपिलर के बाद आपने देखा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में प्यूपा क्रिसलिस बना, और आफ्टर दैट ये बटरफ्लाई कंप्लीट होगी. ये बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल था कि सबसे पहले उसने अंडे दिए, उसके बाद उससे कैटरपिलर निकला, और उसके बाद प्यूपा, और फिर कुछ अरसे बाद प्यूपा बटरफ्लाई में चेंज हो गया. ये बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39. बर्ड्स, परिंदे, आफ्टर बिल्डिंग अ नेस्ट, अपना घोंसला बनाने के बाद अ बर्ड लेज एग्स इन देम. परिंदे इनमें अंडे देते हैं. मोस्ट बर्ड्स ले 2 or 3 एग्स. ज़्यादातर परिंदे 2 या 3 अंडे देते हैं. यहाँ पर आपको बर्ड्स का लाइफ साइकिल बताया गया है. सबसे पहले आप देखें एक हैन, देन उसने एग्स, फिर एग्स से आप देखें हैचलिंग. नेक्स्ट, उसके बाद आपने देखा चिक बना, और फिर वो चिक ग्रो होकर हैन की तरह बन गया. ये बर्ड्स का लाइफ साइकिल था स्टूडेंट्स, जिसमें आपने देखा कि किस तरह अंडों से हैचलिंग हुई, एक चिक निकला, और फिर वो चिक ग्रो होकर हैन की तरह बन गया. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लेसेस. परिंदे अपने घोंसले हर किस्म की जगह पर बना सकते हैं. यूजुअली द नेस्ट आर हाई अप इन ट्रीज. ज़्यादातर आमतौर पर दरख्तों में ऊंचे ऊंचे घोंसले बनाए जाते हैं. बट दे कैन बी बिल्ट इन वॉल्स, ऑन क्लिफ्स,
एंड इवन ऑन द ग्राउंड. लेकिन वो अपने घोंसले बना सकते हैं दीवारों में भी और मैदान वगैरह में भी. जैसे कि आपने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ा है कि परिंदे अपने घोंसले मुख्तलिफ जगहों पर बनाते हैं, जैसे कि कुछ परिंदे अपने घोंसले दरख्तों में बनाते हैं, कुछ परिंदे अपने पौधे दीवारों में बना लेते हैं घोंसले. इसके अलावा कुछ परिंदे अपने घोंसले खुली जगहों पर भी बनाते हैं. एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म. अब बर्ड्स के लाइफ साइकिल के बारे में अब हम मज़ीद पढ़ते हैं. एग्स हैव टू बी केप्ट वार्म. अंडों को गर्म रखा जाता है. सो वन ऑफ द बर्ड्स सिट ऑन देम. तो इनमें से एक परिंदा इसके ऊपर बैठा रहता है. सून द बेबी बर्ड्स हैच. और जल्द ही अंडों से बेबी बर्ड निकल आता है. दे आर यूजली ब्लाइंड एंड बर्ड. ये आमतौर पर अंधे होते हैं और बिना पर के होते हैं. दे हैव टू बी फीड. वो फीड करते हैं बाय द एडल्ट बर्ड्स अपनी पेरेंट अपनी मदर के थ्रू. व्हेन द बेबी बर्ड्स हैव ग्रोन. और जब परिंदों के बच्चे बड़े हो जाते हैं हैव ग्रोन फीडर्स तो उनके पर निकल आते हैं. एंड आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई. और वो इतने मजबूत इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो उड़ सकें. दे लीव द नेस्ट. और फिर वो अपने घोंसले छोड़ देते हैं. ये एक बर्ड का लाइफ साइकिल था स्टूडेंट्स. इसके ज़रिए भी आपको पता चला कि कोई भी जानदार अशिया अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को इस तरह से पूरा करती है, अपना लाइफ साइकिल इस तरह से कंप्लीट करती है और अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं. लास्ट में स्टूडेंट्स आपको कॉन्सेप्ट चेक दिया गया है. टिक ऑल ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट्स. तमाम दुरुस्त स्टेटमेंट्स को आपने टिक करना है. बेबी बर्ड्स, ये बेबी बर्ड्स के बारे में आपको दिया गया है. फर्स्ट है हैच फ्रॉम एग्स. अंडों से बाहर आते हैं. ट्रू. हैव टू बी फीड. फीड करते हैं. ट्रू. हैव नो फीडर्स. उनके फीडर्स नहीं होते. ट्रू. कैन फ्लाई. उड़ सकते हैं. फॉल्स. आर ब्लाइंड. अंधे होते हैं. ट्रू. स्टे इन द नेस्ट. अपने घोंसलों में रहते हैं. ट्रू. स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट चेक आपका बेबी बर्ड के बारे में था जो कि कंप्लीट हो चुका है. स्टूडेंट्स द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हमने इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की है. इस यूनिट में आपने डिफरेंट लाइफ साइकिल्स देखे, जैसे कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ फिश, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड. इन फोर लाइफ साइकिल्स के थ्रू स्टूडेंट्स आपको पता चला कि किस तरह तमाम जानदार अशिया बड़ी होती हैं और अपनी ही तरह की दूसरे जानदार अशिया पैदा करती हैं. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 4 द लाइफ साइकिल्स ऑफ एनिमल्स हमारा कंप्लीट हो गया है. आज हमने इस यूनिट की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की है. थैंक यू स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.